क्या आप जानते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अपने किसी भी रिलेटिव से गिफ्ट, विल, सक्सेशन या इनहेरिटेंस में प्राप्त की है तो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय कौन सा यानी किस ईयर का इंडेक्सेशन अप्लाई किया जाएगा और इस संबंध में कानून क्या कहता है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं में है और आप जानना चाहते हैं कि इन केसेस में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा जिसका सीधा संबंध आपके जीवन से है, क्योंकि ये वीडियो आपको ये जानने में मदद करेगा कि इन केसेस में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किस प्रकार से किया जाए और किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती हैं या सक्सेशन या गिफ्ट या विल के रूप में प्राप्त की जाती हैं सक्सेसर द्वारा, तो वहां पर ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा इंडेक्स, किस ईयर का इंडेक्स लगाया जाए, इस बारे में एक थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जब भी इस तरह की प्रॉपर्टीज सेल की जाती हैं सक्सेशन में आने के बाद तो कैपिटल गेन अराइज होता है सक्सेसर के हैंड्स में, और सेक्शन 49 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे केसेस में जहां प्रॉपर्टी इनहेरिट होके, गिफ्ट होके, विल होके या सक्सेशन के थ्रू असेसी के पास जाती है और असेसी उसे सब्सिक्वेंटली सेल आउट करता है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वही इस असेसी के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाती है। यानी प्रीवियस ओनर ने कितने टाइम पीरियड के लिए उस असेट को होल्ड करके रखा हुआ था ये डिटरमाइन करेगा कि सक्सेसर के हैंड्स में वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। इसी तरह प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वही इस असेसी की यानी कि सक्सेसर की भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दोनों को इंडेक्स किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सक्सेसर ने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की ले ली गई है, पर यहाँ पर इंडेक्सेशन कब किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी 2001-2 में प्रीवियस ओनर द्वारा एक्वायर की गई थी, प्रीवियस ओनर की डेथ हुई 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में और उसके बाद वो प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर उसके सक्सेसर को आई, उसके बाद उस प्रीवियस ओनर ने 2008-9 में उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, अब कैपिटल गेन कैलकुलेट होंगे फाइनेंशियल ईयर 2008-9 के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि जब इंडेक्सेशन होगा तो इंडेक्स लगाने के लिए हम 2001-2 यानी जिस ईयर में प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उसे बेस बनाएंगे या 2007-8 फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स लगाएंगे यानी कि जिस ईयर में असेसी यानी कि सक्सेसर फर्स्ट टाइम उस असेट का होल्डर बना था। अगर हम एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 48 देखेंगे तो वहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन को प्राइमा फेसी पढ़ने के बाद ये इंप्रेशन जाता है कि जिस ईयर में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को सक्सेसर ने फर्स्ट टाइम होल्ड किया था यानी फर्स्ट टाइम प्राप्त किया था उस ईयर का इंडेक्सेशन लगाया जाएगा। अगर ये इंटरप्रिटेशन यूज की जाती है तो उस केस में भले ही प्रीवियस ओनर द्वारा प्रॉपर्टी 2001-2 फाइनेंशियल ईयर में ही अक्वायर कर ली गई थी, लेकिन चूंकि सक्सेसर हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर 2007-8 में ही उसका ओनर बना था, इसलिए सक्सेसर को इंडेक्सेशन का बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से ही मिलेगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से। अब इस इंटरप्रिटेशन का इम्पैक्ट ये होगा कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन दोनों केसेस में अलग अलग आएगी और सक्सेसर को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहां पर इंडेक्सेशन 2001-2 से शुरू होता है वहां इंडेक्सेशन 2007-8 से शुरू होगा तो वहां पर जो कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन पर भी और उसकी टैक्स लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 49(1) की। जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 49(1) में अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट, विल, सक्सेशन या इनहेरिटेंस इनमें से किसी मोड से असेसी के पास आती है तो उस केस में जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और पीरियड ऑफ होल्डिंग था उसे हम कंसिडर करते हैं सक्सेसर के लिए भी। तो ये बात सेक्शन 49 में क्लियरली लिखी हुई है। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 48 और सेक्शन 49 को मिलाकर पढ़ें तो हमें एक कॉन्फ्लिक्ट सा नजर आता है कि जहां सेक्शन 49(1) ये कहता है कि प्रीवियस ओनर के लिए जो कॉस्ट थी उसे ही आपको प्रेजेंट असेसी के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना है, वहीं एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 48 ये इंप्रेशन देता है कि इंडेक्सेशन उस ईयर से लगाया जाना चाहिए जिस ईयर में
नया असेस यानी कि जो सक्सेसर है ही फर्स्ट बिकेम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए वजह से कई बार ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं और कई बार ये लिटिगेशन भी हुआ है असेसीज और असेसिंग ऑफिसर्स के बीच में, जहां पर असेसी ने प्रीवियस ओनर के ईयर से इंडेक्सेशन लगाया और कैलकुलेट किए कैपिटल गेन्स, जबकि असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 48 के अंतर्गत इसका इंडेक्सेशन इस ईयर से लगाया जाना चाहिए जिस ईयर में असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द असेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये कंट्रोवर्सी कैसे रिजॉल्व होगी, क्या इस संबंध में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, क्या केस लॉज हैं, क्या जुडिशियल आउटलुक है, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखें, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ कि जो इशू मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसका रेजोल्यूशन क्या है, पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है, क्या जुडिशियल आउटलुक है, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।